श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हे मे चरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। ओम हरि ओम पवित्रम होत्वा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः शारदा शम्पूजये नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशरोरुपाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वति सहस्रकोटियुगधारिणे नमः कान्तिशिता निशितदिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभा वृन्दावनी किमपि यामुनङ्गशङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। ॐ भगवते श्रीनारायणाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारेण सम्पूजयामि नमो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि नमः। अत व्यास नारायणस्य पूजनं तथा वाचिकस्य पूजनं कुर्यात् तिलकं कुर्यात् माल्यार्पणं च कुर्यात् अरविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातरयायुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतायुष्य प्राणस्य मुखदग्निरजायतो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बाके बिहारी लाल की जय। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती धर्माणि प्रधवाण्यः सन्नाते हनाकं महिमानः
सचंत जत्र पूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः ओम एतदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम नलाम्बिकायै च विद्महे परमसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नौम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलरभया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वर ओम पूर्वस्वः पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः घूमकर भागवत भगवान की प्रदक्षिणा करेंगे ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रकाहस्तानि खंडिराः ते खाकं सहस्रायो जाने वदन्वाहितान्मसी इस श्लोक का उच्चारण करेंगे संसार सागरे मगनम जय राम जय जय राम श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय का पावन चरित्र श्रवण कर लिया कि किस प्रकार से भगवान प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं। मात्र 5 वर्ष के बालक प्रहलाद नारद जी के उपदेश से हृदय में यह धारण कर लिया कि मात्र एक नारायण ही उपास्य हैं और वह नारायण सब जगह व्यापक हैं, कण कण में हैं, सब काल में हैं और सर्वसमर्थ हैं, सबसे बड़े दयालु हैं। यह बात हृदय में धारण कर लिया और प्रहलाद जी के आत्मविश्वास को देख करके जब प्रहलाद जी ने कहा भगवान खंभे में भी हैं तो सत्यम विधातुम निजभृत भाषया, अपने भक्त के वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए और प्रकट होकर के प्रहलाद की रक्षा किया और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूटाइति विश्रुतः क्षीरो देनावृता श्रीमान योजनायुति मृक्षुतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं एक त्रिकूट नामक पर्वत 10 योजन लंबा चौड़ा विस्तार वाला था और उसके सब तरफ क्षीर सागर था। कहते हैं उस पर्वत पर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्ष थे और अनेक प्रकार के जीव भी निवास करते थे, सिंह बाराह हाथी हिरण आदि अनेक प्रकार के जीव उस वन में निवास करते थे।
उसी त्रिकूट पर्वत के पास में एक सरोवर था, बड़ा सुंदर सरोवर। त्रिकूट पर्वत पर रहने वाला एक गजेंद्र नामक हाथी एक बार हथिनियों के साथ और अपने बच्चों के साथ जल पीने के लिए उस सरोवर में गया। वहां जाकर के उसने जल पिया और जल पीने के बाद मन में आया स्नान करें, तो जलाशय में उतर गया। पहले तो स्नान किया, फिर जल क्रीड़ा करने लगा। हथिनियां अपने सूंड में जल भरती और भर करके गजेंद्र के ऊपर डालती। इस तरह से जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय जलाशय में रहने वाला एक ग्राह आकर के गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। गजेंद्र ने देखा कि ग्राह ने पांव पकड़ लिया, उसे अपने बल का बड़ा अभिमान था, अपने बच्चों पर बड़ा अभिमान था, अपने पत्नियों पे बड़ा अभिमान था। उस अभिमानी गजेंद्र ने सोचा कि इसे ग्राह को तो एक झटके में अभी हम बाहर फेंक देंगे। ऐसा सोच करके वो बाहर खींचना चाहा, लेकिन कोई भी जीव हो अपने घर में सब बलवान होते। वो ग्राह जलाशय में था इसलिए वो बड़ा बलवान हुआ और गजेंद्र बहुत प्रयास करने के बाद भी ग्राह को बाहर खींच नहीं पाया। काफी समय तक युद्ध चला, कभी ऐसा लगे कि गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच ले जाएगा और कभी ऐसा लगे कि ग्राह गजेंद्र को जल के भीतर खींच ले जाएगा। गजेंद्र की सहायता उस समय हथिनियां भी कर रही थी, उनके बच्चे भी कर रहे थे, लेकिन हथिनियों और बच्चों ने देखा कि ये काफी समय हो गया लड़ाई करते लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो अंत में हथिनियां और बच्चे छोड़ करके चले गए। जब हथिनियां और बच्चे छोड़ करके चले गए तो गजेंद्र अपने बल पर युद्ध करता रहा, लड़ता रहा, लेकिन अंततः एक तो वो कुछ खा पी नहीं रहा था, शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और दूसरा वो दूसरे के घर में था इसलिए कमजोर पड़ गया और अंततः ग्राह गजेंद्र को खींच करके गहरे जल में लेकर चला गया। जब गजेंद्र गहरे जल में पहुंच गया तब उसे आत्मविश्वास टूट गया, अब उसका अहंकार टूट गया और वो ये जान गया कि हम किसी भी प्रकार से ग्राह से जीत नहीं सकते, अब हम मारे जाएंगे। जब सब तरफ से निराश हो गया, उसने देखा कि हमारी पत्नियां भी छोड़ के चले गई, बच्चे भी छोड़ के चले गए, अब हमारा भी बल काम नहीं आ रहा है, सब तरफ से निराश हो गया, तब उसने भगवान को पुकारा। ना विद्यते यस्य चा जन्म कर्म वा नाराम रूपे गुण दे दोष एवं तथापि लोकाप्यय संभवाया स्वामायया तान्यनुकाल मृच्छति। गजेंद्र ने किसी देवता का नाम लेकर के नहीं पुकारा। क्या कहा? ना विद्यते यस्य चा जन्म कर्म, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, जिसका कोई कर्म नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है। कहा जो नाम रूप से रहित है, जन्म मृत्यु से रहित है, कर्म से रहित है,
लेकिन फिर भी अपनी माया से जो जगत की सृष्टि करता है, जो जगत का पालन करता है और अंत में जो जगत को अपने आप में लय कर लेता है, उस परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं, उस परमात्मा को हम पुकार रहे हैं, वो हमारी रक्षा करे। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो विराम विदुराय मनसश्चेतसामपि। कहने लगा नमः आत्म प्रदीपाय, जो हमारी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करने वाला है, जिसकी शक्ति पाकर के ये नेत्र देखने में समर्थ होते हैं, कान सुनने में समर्थ होते हैं, वाणी बोलने में समर्थ होती है, ये नाक सुगंध दुर्गंध ग्रहण करने में समर्थ होती है, कहा उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। साक्षिणे, कहा जो सबका एकमात्र साक्षी है, जागृत अवस्था का, स्वप्नावस्था का, सुसुप्ति अवस्था का, सारी अवस्थाओं का जो एकमात्र साक्षी, जो मन और बुद्धि का भी साक्षी है, कहा उस परमात्मा को हम नमन करते हैं। कहा नमो गिराम विदुराय, कहा जो बाड़ी से परे है, जहां जिसका वर्णन बाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता, मन के द्वारा जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, बुद्धि के द्वारा जिसका विचार नहीं किया जा सकता, कहा उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उस परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा गो गोचर लग मन जहां जाई, असो सब माया जानो भाई। जहां तक मन जा सकता है, जहां तक बाणी जिसका वर्णन कर सकती है, बुद्धि जिसका विचार कर सकती है, कहा वो वहां तक माया का खेल है, वहां शुद्ध परमात्मा नहीं है, वहां माया का खेल है। और जिसका वर्णन करने में वाणी समर्थ नहीं होती, लेकिन जिसकी शक्ति के बिना वाणी बोलने में भी समर्थ नहीं है, मन जिसका मनन नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता, लेकिन जिसकी शक्ति के बिना मन चिंतन करने में भी समर्थ नहीं है, बुद्धि जिसका विचार नहीं कर सकती, लेकिन जिसके बिना बुद्धि जड़ हो जाती है, कुछ भी सोचने में समर्थ नहीं रहती, कुछ भी विचार करने में, निर्णय करने में समर्थ नहीं होती, कहा उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उसकी हम शरण ग्रहण करते हैं। गजेंद्र ने इस तरह से बड़ी लंबी स्तुति है, तो इस तरह से जब गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, पुकारा, तो उसी समय भगवान गरुड़ पर सवार होकर के बड़े वेग से चल दिए। कहते हैं जब आधे रास्ते पहुंचे तो गरुड़ को अभिमान हो गया, गरुड़ के मन में आया यदि आज हम ना होते तो भगवान नारायण गजेंद्र की रक्षा कैसे करते ग्रह से। गरुड़ बड़े ही वेगवान हैं, कहते हैं मन से भी ज्यादा, मन से भी तेज गति है गरुड़ की, जितनी तेज से मन चलता है उससे कई गुना ज्यादा तेज गरुड़ की चाल है। तो गरुड़ के मन में यह अभिमान आया कि यदि आज हम ना होते तो गजेंद्र की रक्षा कैसे होती। भगवान ने सोचा एक की तो हम रक्षा करने जा रहे हैं, दूसरे को रोग और लग गया।
वहीं आधे रास्ते में ही गरुण को छोड़ दिया भगवान ने, कहा तुम्हारी चाल कम है और ग्राह इतने में तो मार देगा। अब गरुण को छोड़ करके भगवान वहां पहुंच गए, अपने चक्र से उसका मुख फाड़ दिया, खींच के जलाशय से बाहर कर दिया और गजेंद्र को छुड़ा दिया। भक्तमाल में लिखे हैं कि हा शब्द भगवान ने वैकुंठ में सुना था। हा शब्द उसने हरि शब्द कहा था, तो हा शब्द तो वैकुंठ में सुनाई पड़ा था और री शब्द कहने के पहले गजेंद्र के पांव को छुड़ा दिया था ग्राह से, इतने वेग से पहुंचे थे भगवान। हाँ, भक्तमाल में तो यहां तक लिखा कि जब भगवान गजेंद्र को छुड़ाकर वापस जा रहे थे तो जहां गरुण जी को छोड़े से वहां से एक कदम भी आगे नहीं पढ़ पाए थे, भगवान वहां पहुंच गए थे, तब गरुण को लग का अभिमान दूर हो गया था। इससे यह लगता है कि हमको पुकारने में देर है लेकिन भगवान को आने में देर नहीं। हाँ, भगवान को आने में देर नहीं है लेकिन भगवान की बस एक शर्त है, निर्बल के बलराम। जब तक आपको अपने पुत्रों पर भरोसा है, पत्नी पर भरोसा है, रिश्तेदार पर भरोसा है, धन पर भरोसा है, यहां तक कि अपनी शक्ति पर भरोसा है, तब तक भगवान नहीं आते। और जब सब जगह से भरोसा टूट जाता है, जब केवल एक नाम का भरोसा रह जाता है, तो आने में देर भी नहीं लगती। महाभारत उठा करके देखिए, मूल ग्रंथ, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, महाभारत में लिखा है यह बात कि द्रौपदी ने बार बार पितामह भीष्म की तरफ इशारा किया है। इसका मतलब पितामह भीष्म पर भरोसा था द्रौपदी को कि इनके रहते हमारी चीर हरण नहीं हो सकती। आचार्य द्रोण पर भरोसा था, कृपाचार्य पर भरोसा था, अपने पांचों पांडवों पर भरोसा था कि इनके रहते जो है चीर हरण नहीं हो सकता। लेकिन महाभारत में लिखते हैं कि जब ये पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, यहां तक कि पांचों पांडव जब सिर नीचे कर लिए, तब भी द्रौपदी को भरोसा भगवान पे नहीं गया। किस पर? अपने पर भरोसा। और उसने साड़ी को दांत से दबाया। इस दांत से दबाने का मतलब अपनी शक्ति पर भरोसा हुआ। लेकिन कहां दुशासन 10,000-9,000 हाथी का बल रखता था, अब कहां एक अबला। द्रौपदी ने देखा कि हमारा बल भी काम नहीं आएगा, तब उसने कहा पधारो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी। सबको पता है द्रौपदी को पुकारने में देर लगी लेकिन द्वारिकाधीश को पहुंचने में देर नहीं लगी। भगवान का वस्त्रा उतार हुआ था। तो कहना हम केवल एक बात चाहते हैं कि भरोसा केवल भगवान पर होना चाहिए। भगवान पर भरोसा करके अगर एक बार आप पुकारते हैं तो भगवान आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। सबसे नजदीक के बाद हम रोज कहते हैं कि यदि आपके सब आपके पास सबसे निकट कोई है तो वह परमात्मा है। परमात्मा से निकट कोई और नहीं। अच्छा, एक बात आप लोग बताओ, महात्मा और संसारी में क्या अंतर होता है? एक क्षण में बताना है जल्दी से। हाँ, महात्मा और संसारी में क्या अंतर होता है, कभी विचार किया? अरे आप खाते पीते हैं, सोते हैं, महात्मा भी खाता पीता है, सोता है, कपड़ा पहनता है, क्या अंतर देखते हैं आप?
कोई अंतर नहीं है ना। जैसे आप खाते पीते हैं वैसे वो भी खाता पीता है, कपड़ा पहनता है, सब सब करता है। देखो हम बता रहा हूं अंतर क्या है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। महात्मा के पास भगवत आश्रय होता है और संसारी के पास जनाश्रय होता है। क्या होता है? जनाश्रय होता है। एक संसारी व्यक्ति को अपने पुत्र पर भरोसा होता है, पत्नी पर भरोसा होता है, रिश्तेदारों पर भरोसा होता है, मित्रगणों पर भरोसा रहता है, यहाँ तक कि बैंक बैलेंस पर भरोसा रहता है, खेती बाड़ी पर भरोसा रहता है। रहता है कि नहीं रहता? थोड़ी सी तबीयत बिगड़ जाए, भरोसा है कि पत्नी सेवा करेगी, बच्चे हमारे सेवा करेंगे, रिश्तेदार हमारी सहायता करेंगे। रहता है कि नहीं रहता? यहाँ तक कि कह देते हैं ज्यादा तबीयत बिगड़ जाती है तो कहते हैं चिंता मत करना, एक दो एकड़ ना सही, लेकिन कह देते हैं कि नहीं कहते कि चिंता मत करना, मतलब उस पर भरोसा है उनको। इसका नाम है जनाश्रय। भगवान पर भरोसा नहीं होता। किस पर होता है? संसार पर भरोसा होता है, जन पर भरोसा होता है, इसलिए वह जनाश्रय होते हैं। लेकिन एक महात्मा बीमार हो जाए तब किस पर भरोसा करेगा, ये बताओ? एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, केवल एक पर ही उसको भरोसा होता है, परमात्मा पर भरोसा होता है। एक गृहस्थ यहां से बंबई जाने लगे या कलकत्ता जाने लगे, ये माताएं एक टाइम का भोजन की जरूरत है तो तीन बार का भोजन रखती कि नहीं? अब फोन लगा के बीच पे और पूछती रहती है कि चाय वाय पी लिए कि नहीं, तो कुछ खाते पीते जाना। रहता है कि नहीं होता ऐसे? लेकिन एक महात्मा कहीं जाना होता है ना, ये विरक्त महात्माओं को देखो, एक झोली टांगे रहते हैं और जहां मर्जी होती है चल देते हैं ना। वो झोली में कुछ रहता नहीं, वो दिखावटी झोली रहती है, कुछ नहीं रहता उसमें, लेकिन जहां मर्जी होती है वहां चले जाते हैं। अब आपने कभी महात्मा को भूखे नहीं देखा होगा, ना हल चले न चले कुदारी बैठे भोजन दे मुरारी। ये महात्माओं का ये भगवत आश्रय है। तो दोनों में केवल इतना अंतर होता है, अगर आपको भगवत आश्रय हो जाए, हृदय में परमात्मा पर विश्वास हो जाए तो आप महात्मा बन गए। आप जितना विश्वास परिवार पर है, धन पर विश्वास है, उतना ही विश्वास भगवान पर हो जाए कि भगवान हमारे हैं और सब समय में हमारे साथ, सबसे बड़े दयालु हैं, वो हमारे रक्षक हैं, बस कार्य हो गया, आप महात्मा बन गए। हाँ, यहां गजेंद्र ने जब तक जो है विश्वास किया परिवार पर, तब तक दुख में रहा, और जैसे उसने अपने बल का भी विश्वास टूटा, अब केवल भगवान को पुकारा, भगवान आ गए। हम एक बात कहना चाहते हैं, देखो परिवार में तो रहना चाहिए, धर्म पूर्वक धन कमाना भी चाहिए, ये शास्त्र का मत है, लेकिन विश्वास भगवान पर करना चाहिए। विश्वास भगवान पर करना चाहिए कि वो हमारे हैं और हम उनके हैं, बस। बाकी संसार का कल्पित रिश्ता है और ये कल्पित रिश्ता का हम निर्वाह करेंगे इसका, लेकिन जो है संबंध एक से ही है हमारा। और एक बात और कहें, व्यास जी ने कहा वो बात कह दे पहले, ये संसार अंत में छोड़ ही देता है, छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? जब तक आप सुख में हैं तब तक साथ है संसार आपके, और जब आप पर संकट आएगा तो उस समय सारा संसार आपको छोड़ देगा।
केवल साथ यदि कोई देगा तो वह परमात्मा आपका साथ देगा, दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं। और इससे बड़ी बात अनुभव की यह है कि अंत में तो सारे छोड़ देते, छोड़ते कि नहीं छोड़ते, अंत में तो सारे छोड़ देते। जरा व्यास जी की बात देखो, व्यास जी क्या कहते, धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनाः शमशाने अदेहाश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कहते हैं जब महाप्रयाण होगा, महाप्रयाण माने अंतिम यात्रा होगी, तो उस समय में साथ क्या जाएगा? कभी विचार किया ये बात, अंतिम क्षण में साथ क्या जाएगा? व्यास जी कहते हैं धनानि भूमौ, ये जो धन है चाहे धर्म पूर्वक कमाया जाए और चाहे अधर्म पूर्वक कमाया जाए, धनानि भूमौ अंतिम यात्रा के समय यह पृथ्वी पर जहां रखा है वहीं रखा का रखा रह जाता है, एक कदम भी साथ जाने वाला नहीं। अतः जाता है क्या? नहीं जाता ना। आप कहेंगे कि वो धन है, जड़ है, चलता फिरता नहीं इसलिए नहीं जाता, जो चलने फिरने वाले हैं वो तो जाएंगे। तो कहते हैं पशुवश्च गोष्ठे, ये पशु कहां तक साथ देते हैं, ये पशु कहां तक साथ देते हैं, कहां पशुवश्च गोष्ठे, ये गोशाला में या भैंसशाला में जहां बंधे हैं वहीं बंधे के बंधे रह जाते हैं, एक कदम भी ये पशु साथ जाते नहीं। आप लोगों ने अंतिम यात्रा किसी की देखी है कि नहीं देखी, पहले ये बताओ, देखा है? हाँ, पशुवश्च गोष्ठे, पशु जहां बंधे हैं वहीं बंधे के बंधे रह जाते हैं, एक कदम भी साथ नहीं जाते। आप कहेंगे कि पशु को ज्ञान नहीं है इसलिए साथ नहीं जाते, जिनको ज्ञान है वो जाएंगे। तो कहा ये पत्नी कहां तक साथ जाती है, कहां तक साथ देती है? कहा नारी गृहद्वारी, ये पत्नी केवल घर के दरवाजे तक साथ जाती है। कहां तक जाती है? देखा भी है, प्रैक्टिकल है, वो जो व्यास जी कह रहे हैं वो सारा आंखों से देखा बात कह रहे हैं। नारी गृहद्वारी, पत्नी केवल घर के दरवाजे तक जाती है और उसके बाद साथ छोड़ देती है। आप कहेंगे कि वो दूसरे के घर से आई थी, स्वार्थ बस, हम दोनों ने एक दूसरे से प्रेम किया था इसलिए वो नहीं गई, पुत्र तो जाएगा ना, हमने खूब उसकी सेवा किया, खूब अच्छा खिलाया पिलाया पढ़ाया, तो पुत्र तो साथ जाएगा। तो कहा ये पुत्र कहां तक साथ जाता है? जनाह शमशाने, ये पुत्र, ये भाई, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये मित्र केवल शमशान तक साथ जाते हैं, उसके बाद साथ ये भी छोड़ देते। अब खोपड़ी और फोड़ते, उड़ते हैं ना, अब तो लोग मांस छुआ कर रख देते हैं, लेकिन विधि तो यही है कि खोपड़ी फोड़ा जाए। तो कहा जनाह शमशाने, ये पुत्र भाई परिवार रिश्तेदार केवल शमशान तक साथ देते हैं और उसके बाद जीव का साथ छोड़ देते हैं। अब आप कहेंगे कि पुत्र के भी संसार देखने की इच्छा रही होगी इसलिए वो नहीं गया, ये शरीर तो साथ जाता है ना, शरीर जाएगा साथ। तो व्यास जी कहते नहीं नहीं, ये शरीर भी साथ जाने वाला नहीं है। कहां जा तक जाता है? कहा देहस चितायाम, देहस चिताया, ये शरीर केवल चिता तक साथ देता है और चिता पर इसको रख दिया, आग लगा देते हैं,
और उसके बाद ये पांच तत्वों से बना हुआ है। वह पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं और इसका साथ शरीर छोड़ देता है। अब मन में एक बात आती है कि जब धन साथ नहीं जाएगा, पशु साथ नहीं जाएंगे, पत्नी नहीं जाएगी, पुत्र परिवार साथ नहीं जाता, यहां तक कि यह शरीर भी साथ नहीं जाता, तो साथ जाता क्या है? क्या जाएगा साथ में? तो कहते हैं धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जीव के साथ में केवल एक साथ जाता है, कौन? धर्मानुगो गच्छति जीव एका, धर्म ही साथ में जाता है। आपने महाभारत में सुना होगा कि युधिष्ठिर के साथ में केवल कुत्ता गया था, केवल कुत्ता गया था। वह कुत्ता नहीं था, वो तो धर्म था। तो अंतिम यात्रा में जो है केवल कुत्ता ही, अरे मतलब धर्म ही साथ जाता है। अर्थात जो आपने भगवान का भजन कर लिया, वही भजन आपके साथ में जाएगा, इसके अतिरिक्त कुछ साथ जाने वाला नहीं। अच्छा, ये बात सबको पता है कि नहीं पता है? पता है ना सबको? अरे भाई जब आप सबको ये बात पता है कि अंत में ये सारे लोग हमारा साथ छोड़ देंगे, तो आज से ही आप इनका साथ क्यों नहीं छोड़ दे रहे हो? जब ये बात पता है कि कल ये हमको धोखा देंगे, तो आज ही क्यों नहीं आप इनको धोखा दे देते? छोड़ देना चाहिए ना। हम तो ऐसे कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने तो गाली दे के कहा। क्या कहा? अंतह तो ही तजेंगे पामर, तू न तजै अब ही ते। ये तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, अंतह तो ही तजेंगे पामर। पामर शब्द कह दिया, वे नीच, कहा जिसे आज तू नहीं छोड़ रहा है और अपना मान रहा है, अंत में ये सारे के सारे तुमको छोड़ देंगे। अब लोगों को सबको लग रहा है कि ये बाबा आज क्या कह रहा है, ये कथा किसी को अच्छी नहीं लग रही। देखो, हमारा केवल एक भाव है। आप घर में रहो, परिवार में रहो, कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन एक बात आप मान लो, हृदय से आप भगवान को अपना मानो और इनके साथ शरीर से व्यवहार करो। शरीर इस संसार का दिया हुआ है, तो शरीर जो है इनके साथ कर दो। अब आत्मा भगवान का अंश है, तो उसको भगवान के साथ कर दो। बस न्याय कर लो, बस जो भगवान का है उसको भगवान को समर्पित कर दो, जो संसार का है उसको संसार को समर्पित कर दो। बस इतने से कल्याण हो जाएगा। शरीर से आप घर में रहो, मन से घर में रहो, बुद्धि से घर में रहो, लेकिन जो आपकी आत्मा है उस आत्मा को भगवान को समर्पित कर दो कि हे प्रभु ये आपका है। एक बार केवल हृदय से ये स्वीकार कर लो कि हे प्रभु हम आपके, बस केवल एक बार ये स्वीकार कर लो बस। इस कथा का केवल इतना आश्रय, ये बताना चाहते हैं कि तुम संसार पर जो विश्वास कर रहे हो वो ना करके केवल भगवान पर विश्वास करो, संसार में केवल जीवन का निर्वाह करो बस। अब वहां भगवान ने ग्राह को का मुख चक्र से फाड़ दिया, गजेंद्र को छुड़ा दिया, और छुड़ाने के बाद ग्राह के लिए विमान आया और वो बैठ करके जा